हेलो फ्रेंड्स, फूडी पाथ की ज्योति में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कच्चे केले की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे मैं बेसन के साथ बनाऊंगी। कच्चे केले में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 और विटामिन सी दोनों स्किन और हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह स्टमक प्रॉब्लम को भी रोकता है, साथ ही वेट लॉस में मदद करता है। मैंने 4 बड़े केलों को छीलकर इस तरह छोटे छोटे पीस में काट लिया है। देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल लूंगी, इसमें सारे केलों को डाल दूंगी। इसमें मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी डालूंगी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम मिर्च पाउडर। आप लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन कलौंजी, 2 छोटा चम्मच तेल। फिर ये सब को मैं अच्छे से मिला लूंगी और इसे मैं ऐसे ही आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, अब इसे मैं एक बार अच्छी तरह मिला लूंगी और अगले प्रोसेस के लिए चलती हूँ। इसमें मैं 4 बड़े चम्मच बेसन लूंगी। इसमें मैं बारी बार से सारे मसाले डालूंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अजवाइन, वैसा कोई मसाला नहीं और थोड़ा सा नमक। अब इसमें पानी डालकर कोटिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। इसे लगातार 5 मिनट तक ऐसे ही चलाती रहूंगी। अब मेरा बैटर तैयार है। अब मैं पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई गर्म कर लेती हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुका है, हीट में मीडियम टू लो कर दूंगी और बारी बारी से केले को बेसन में डुबाकर फ्राई कर लूंगी। इसे मैं पलट लूंगी और पलटने के बाद इसे 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये पकौड़े पूरी तरह फ्राई हो चुके हैं, गैस कम करके मैं सारे पकौड़े को निकाल लूंगी। अगर आपको ज्यादा बेसन में लपेट कर नहीं छानना है तो बस ऐसे ही सारे केलों को हल्का बेसन में लपेट लीजिए। और देखिए, मैं हल्का बेसन लगा के छान के भी आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं बेसन में डुबाया नहीं है, सिर्फ बेसन में हल्का लपेट दिया है। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप केले को बेसन के साथ फ्राई कर सकते हैं। सारे केले को मैंने फ्राई कर लिया है, इसे मैं अब अलग रख दूंगी। जो थोड़ा सा बेसन बचा था उसमें मैं पानी डालकर रख दी हूँ, इसे मैं ग्रेवी बनाते समय डाल दूंगी। अब मैं कढ़ाई को हटाकर पैन चढ़ा लूंगी और पैन को थोड़ी देर के लिए गर्म होने दूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा घी में गार्निश करने वाले काजू को फ्राई कर लूंगी। और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी। इसमें मैं तेजपत्ता, मेथी के दाने, जीरा, काली सरसों, अजवाइन और एक लाल मिर्च डाल दूंगी। इसे कड़कने की आवाज आने लगी है। अब इसमें मैं कटे हुए प्याज डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी। आप देख सकते हैं मेरा प्याज लगभग ब्राउन हो चुका है। इसी समय मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, इसमें एक काजू और काजू और अदरक के साथ प्याज को मैं 2 मिनट तक चला लूंगी। मैं बारी बारी से सारे मसालों को मैं डालूंगी। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच से कम, जीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच ये एवरेस्ट का सब्जी मसाला है, ये ऑप्शनल है, साथ में ये किशमिश। अब इसे मैं एक बार चला लूंगी। जब इसे मैं एक बार चला लूंगी इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर मैं इसमें मसाला के बाद डालती हूँ। इसे मैं 2-3 मिनट तक इस तरह भून लूंगी। लो करके इसे मैं 2 मिनट तक ढककर छोड़ दूंगी ताकि सारे मसाले एक दूसरे के साथ मिल जाए। अब देख सकते हैं सारे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिल चुके हैं। इसी से मैं नमक डाल दूंगी, नमक स्वादानुसार, क्योंकि बेसन में भी नमक है। और इसे अच्छी तरह मिला लूंगी और हीट मीडियम कर दूंगी और नमक के साथ इसे मैं 1 मिनट के लिए पकने दूंगी। 1 मिनट हो चुके हैं, ये जो बेसन का पानी बचा हुआ था उसे मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा पानी और मैं डाल देती हूँ और इसे मैं चला लूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे पकने दूंगी। आप देख सकते हैं अब ग्रेवी थोड़ा थीक होने लगा है।
तले हुए केले हैं इसे मैं डाल दूंगी और सबको अच्छी तरह मिला लूंगी। और इसे अब मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि सारे मसाले सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसे मैं देख लेती हूँ। इसमें मैं 2 से 3 पिंच गर्म मसाला डाल दूंगी, अच्छी तरह चला लूंगी। 1/2 चम्मच घी डाल दूंगी जो इसके टेस्ट को बढ़ा देगा, और इसे मैं अच्छी तरह मिला लूंगी। लास्टली मैं इसमें धनिया पत्ते डाल देती हूँ, इसे मैं मिला देती हूँ और गैस बंद कर लूंगी। इस तरह आप देख सकते हैं मेरा केला बेसन फ्राई तैयार है। एक बार इसे आप इस तरह बनाकर जरूर देखिए, और अगर मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब इसे मैं धनिया पत्ते, हरी मिर्च, फ्राई काजू और किशमिश से गार्निश कर लूंगी। आप एक केले की सब्जी जरूर बना के देखिए, और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जाकर लिखिए, और इस तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।